कोरोना पर लोकसभा में गर्मा गर्म बहस हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हालात को जल्द नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपाई और हिंसा आगजनी पर दुख व्यक्त किया। शाह ने सदन में स्पष्ट कहा कि जिसने आगजनी की उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली की हिंसा में 52 लोगों की मौत होने की जानकारी दी और कहा कि इसमें 526 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान 142 लोगों के घर जले। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे के अंदर दंगों को समाप्त किया। शाह ने कहा कि जिसने भी आगजनी की उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि हम दंगों को इतनी कैजुअली नहीं लेते। उन्होंने सवाल किया कि 3006 भाई बहन जला दिए गए और आप उस पर कुछ नहीं बोलते हो। शाह का इशारा 1984 के सिख दंगों की ओर था। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवी भीड़ ने आगजनी भी की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करने की घोषणा की थी। प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों के सहारे पहचान कर नोटिस जारी किया था। हाल ही में लखनऊ प्रशासन ने 19 लोगों को रिकवरी के लिए फाइनल नोटिस भी थमा दी थी। अब गृह मंत्री ने सदन में आगजनी से हुए नुकसान की भरपाई उसे नुकसान पहुंचाने वालों से ही करने की बात कही है। नजदीक के भूतकाल में हुए कम्युनल रायट्स पर इस सदन ने एक लंबी चर्चा करी। कांग्रेस पक्ष के सदन के नेता श्री अधीररंजन चौधरी जी ने इसकी शुरुआत की। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री बालू जी, श्रीमान स्वागत राय जी, वी गीता विश्वनाथन जी, विनायक राउत जी, संजय राजू रंजन सिंह जी, पिनाकिन मिश्र जी, रितेश पांडे जी, शकीर बर्क जी, अमोल कोले जी, संजय जायसवाल जी, श्री कुट्टी जी, श्री एएम आरिफ जी, जयदेव जी, मसूदी साहब, आरके राजू जी, सुब्बारायण जी, थॉमस जी, भगवंत मान, श्री ओवैसी जी, नलिन कटील, श्री विजय जी, श्रीमान प्रेमचंदन जी और अंत में युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने अपने विचार रखे। बाय एंड लार्ज सदन के सभी सदस्यों ने ये दुर्भाग्यपूर्ण रायट्स के लिए जानकारी भी जानना चाहिए। सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों में इसके लिए दुख भी व्यक्त किया है, चिंता भी व्यक्त की है और आगे क्या होगा इसकी जानकारी भी सबसे वक्तव्य से कॉमन निकल कर आ रही है। कहीं कहीं राजनीतिक रंग देने का भी प्रयास हुआ है और कहीं कहीं एक ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.